बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए एक अभियान शुरू किया है, शुक्रिया मोदी भाईजान। लेकिन अब बीजेपी का ये अभियान सपा को परेशान कर रहा है, जिसके बाद वो भ्रम फैलाने में जुट गई है। सपा सांसद के मुताबिक आज देश का मुसलमान अंदर से बहुत दुखी है। उसे जो दुख और तकलीफ पहुंची है वो उसके बाद बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा। हम अपनी मुस्लिम बहनों को भी समझाएंगे कि इनके बहकावे में ना आए। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मुस्लिम महिलाएं इसे नहीं भूल सकती हैं कि उनके पति, बेटों और भाइयों को किस तरह से मारा गया है, सताया गया है, हर तरह का जुल्म उन पर किया गया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हम अपनी महिलाओं को समझाएंगे कि किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और वोट का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वोट सबसे कीमती चीज है। वो मुस्लिम महिलाओं को सपा के लिए वोट करने की सलाह देना नहीं भूले। जो मिशन ये चलाया जा रहा है मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को, बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे ही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो, और मुल्क की भलाई के लिए करो जो कुछ भी काम। बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ मुस्लिम मतदाताओं को साधने की भी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी के लिए नया प्लान तैयार किया है। बर्क साहब की तरह जिनको अपने समाज की जब स्वीकारता समाप्त हो जाती है, जब अपने समाज में उनकी पूछ नहीं होती है, तो मजहबी उन्माद फैलाने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे सुंदर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है। ऐसी पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार आज है कि वो सबके लिए कार्य करती है। बीजेपी ने यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसकी टैगलाइन ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है रहेगी। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी 80 लोकसभा सीटों पर यह कार्यक्रम करेगा। इसके तहत हर लोकसभा सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।